माइनस माइनस प्लस होता है। मेरा नाम साकेत नूर है और मैं 21 साल की हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। वसीम है कि उस वक्त हमारे इतने हालात नहीं थे कि शायद मैं आगे एडमिशन लेती, तो अब ऐसे कि मैंने उस टाइम एडमिशन लिया और उसके बाद मेरी जॉब में साथ होगी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई आगे चल दी। अगर मैं नहीं पढ़ाया तो मैं आगे बहुत सारे बच्चों के पढ़ने में मदद दूँगी, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसा पढ़ा। तो फिर मेरे अंदर एक जज्बा होगा कि किस तरह मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और इस तरह पढ़ाने में मेरी मदद होगी मेरे बच्चों को, कि जिस तरह मैंने पढ़ाया मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे उसी तरह पढ़ें और अपने पैरों पर खुद पढ़ें। इससे असर तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो हैं ये रूरल एरिया और यहाँ पे ज़्यादा लोगों की इस तरह जॉब्स वगैरह नहीं है, इसलिए लोग खुद थोड़े से इतने गरीब नहीं है, इतने क्या कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी उनके पास नहीं है कि वो कुछ काम करें, इसलिए उनके पास जॉब्स वगैरह कम होती हैं। उनके अगर पे जॉब हैं भी तो वो पे कम होगी, इसलिए अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो अगर उन्हें पैसे मिलते हैं, वसीफ़ा मिलते हैं, तो उस वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा लेती है। कुछ इसलिए भेज देते हैं कि उन्हें वसीफ़ा मिल रहे, वो खुद तो पढ़ रहे हैं बच्चे, साथ साथ अपने माँ बाप को भी सपोर्ट करें, इसलिए ये वसीफ़ा अच्छा है, क्योंकि वो अपने यूनिफॉर्म, अपनी बुक्स, अपना सब कुछ तो ले लेते हैं और साथ में कुछ हेल्प भी हो जाती है। फ़ायदा हुआ था क्योंकि सारी पे तो मैं इसमें नहीं जाती थी, इसलिए मैंने आधी पे अपने माँ बाप को दी और आधी मैं अपनी खुद अपने भाई के लिए आगे स्टडीज पे जारी रखती थी। जो मैं जो ज़रूरत होती थी मैं अपनी लिए खुद कमा सकती थी और बाकी नहीं। अब इसके बाद हम लोगों ने करना है Thank you.